हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडू एक्सेल पावर्ड बाय वाईएसी एटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटोर रोहन कुमार सिंह। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आल्सो आई हैव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे अंडर क्यूपी एंड सीईपी। आई एम द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एक्सप्लोरिंग द लॉज दैट गवर्न अवर यूनिवर्स एंड यू कैन फाइंड दिस बुक ऑन एमेजॉन एज वेल एज। This book contains many hidden features of the whole universe which was following till now. Again, 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, many of them right now in IIT, NIT as well as in NEET. So, I have cracked MIT and also worked as a research analyst in IIT Madras for 4 to 6 months in which I have just published about 12+ papers. So, starting our today's class, जैसा कि सारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स जानते हैं, जो भी अभी तक सारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, वो ये बात क्लियरली जानते हैं कि we have completed our unit and measurement chapter 1 of physics, ठीक है? अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोगों ने सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, प्लस उसके बाद हम लोगों ने नीट के PYQs लगाए एज वेल एज जेईई मेंस के PYQs लगाए विद अ प्रॉपर सॉल्यूशन विद अ प्रॉपर अप्रोच, ठीक है। अब बात आती है कि सर सेकंड चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो स्टार्टिंग दिस मोशन इन स्ट्रेट लाइन व्हाट वी हैव, आज तो पीपीटी अलग चमक रही है क्यों? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन व्हाट विल यू स्टडी इन दिस चैप्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन, ये सारी चीजें एज वेल एज मे भी हो सकता है इससे और ज्यादा, ये सारी चीजें इससे और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा, उससे मैं कहूंगा नहीं, बस देखना वीडियोस पे कंटिन्यूसली बने रहना, इससे भी कहीं गुना ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ये तो बस कुछ नहीं है, ये तो बस मैंने एक मतलब जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए रख दिया। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन, देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अक्सर हम फोर्स में डिस्कस करते हैं, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट एंड मोशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, ट्रेजेक्ट्री, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सिलरेशन, ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव बाय कैलकुलस एंड एल्जेब्रिक मेथड। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड, मतलब कोई भी मोशन जो nth सेकंड पे हो रहा है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे राइट नाउ। फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन में, इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन टू और मोर बॉडीज आर जस्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड कैसे अकाउंटेबिलिटी में आएगी, दैट इज इट, ठीक है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, ग्राफ समझना, ग्राफ जो है तुमको थोड़ा उस लेवल पे समझना होगा जो एज कंसीडरेशन तुम सोच रहे हो, लाइक समझना जरा, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ में हम लोग ST VT AT हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ST VT AT ग्राफ हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बट मैं ये कहूंगा कि आने वाले टाइम में हम लोग ग्राफ जो है वो SU मतलब SV डिस्टेंस एज वेल एज डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये भी एक्स्ट्रा टाइम ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू अवर व्हाट जेईई मेंस एज वेल एज नीट, ठीक है। जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, दे आर 6 डिफरेंट ग्राफ्स, जो कि 6 डिफरेंट ग्राफ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मोशन ड्यू टू एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मतलब अब मोशन के लिए हमें प्रॉपरली कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं करनी है, अवर अर्थ बी एक्ट एज राइट नाउ एज एन एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा अर्थ जो है वो एक्सेलरेशन की तरह वर्क करेगा, हाउ द बॉडी इज एक्सेलरेटेड नॉट एक्सेलरेटेड वट एवर इट इज यहाँ देख लोगे। फिर आते हम रिलेटिव वेलोसिटी पे, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये भी समझ जाओगे बिकॉज हम यहाँ पर डायरेक्शन वाइज रिलेशन है हर चीज में एक रिलेशन जनरेट करेंगे। सो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन,
ठीक है। ओ शिट, व्हाट इज हाँ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं, समझना जरा ध्यान से, ठीक है। हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ई कवर्ड बाय ईच पार्टिकल, ठीक है, कवर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम ड्यूरिंग द मोशन, देन द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अब इस चीज को बहुत गौर से समझना, जैसे कि तुम्हारे पास ये एक अनइवन बॉडी थी, मैंने कोई शेप डिफाइन नहीं किया, वेदर द ट्रायंगल ट्रायंगुलर बॉडी क्वाड्रिलेटरल बॉडी, मैंने कोई भी शेप डिफाइन नहीं किया राइट नाउ। अब इस बॉडी को मैंने मूव करके इस पोजीशन पे ले आया, दिस इज ए पोजीशन, दिस इज बी पोजीशन, दिस इज बी पोजीशन, दिस इज ए पोजीशन एंड दिस इज बी पोजीशन। बॉडी सेम है, बॉडी का शेप बिल्कुल सेम है भाई, मैच करके देख सकते हो। बट क्या हुआ कि मैंने जब ये मूव कर रहा था तो मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, 1, 2 एंड 3, दीज 3 पॉइंट्स आई हैव मार्क्ड राइट नाउ, मूव करने से पहले की बात बता रहा हूँ। और जब ये मूव करके इधर पहुंचा, जब ये मूव करके इधर पहुंचा तो देखना कि ये 3 पॉइंट यहीं के यहीं रह गए, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम बोलो क्योंकि सर ये ट्रांसलेटरी मोशन कैसे कर रहा है, तो जब ये कोई ऑब्जेक्ट इधर था और ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ गया, इनकी बॉडी में कोई भी मल्टीपल पॉइंट्स तुम चूज कर लो और फिर देखना कि वो जो है वो भी साथ साथ मूव कर रहे हैं एज जैसे बॉडी मूव कर रही है। और बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये इनके पॉइंट्स लीनियर डायरेक्शन कवर कर रहे होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर बाय चांस या फिर इफ एनी वे एनी कॉस्ट, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन ना होकर सर्कुलर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, नॉन रेक्टिलिनियर कहता हूं मैं सीधे, नॉन रेक्टिलिनियर मोशन कवर कर रहे हैं, तो क्या वो ट्रांसलेटरी होगा। तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन होने के लिए यहां पर मैंने बोला ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, और उसके बाद वो कवर कैसा करना चाहिए, वो लीनियर फॉर्म में कवर करना चाहिए। कैसे कवर करना चाहिए, लीनियर फॉर्म में कवर करना चाहिए। बट जब हम बात करेंगे कि ये बॉडी है, ठीक है, इसको गोल 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 घुमा रहे हो, तो ये एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, दिस डजंट वर्किंग एज अ ट्रांसलेटरी मोशन। ओके सो ठीक है, यहाँ पर मैंने ये मार्क करने वाली चीज है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है फॉर ईच पार्ट, ठीक है। हियर द बॉडी मूव्स बट देयर इज एनी चेंज इन द इंटरनल पॉइंट एंड इट रिमेन सेम, सो वी कैन से दैट द गिवन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, इज ए ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर हो गया, चलो। अब बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ध्यान दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेदर हम लोग यहाँ पर एक जनरल डेफिनेशन देखेंगे, जनरली चाहे वो फोर्स में हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी में हो, कहीं भी हो, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस तरीके से जज करते हैं, मेजर करते हैं, क्या रीजंस होते हैं व्हाई वी आर यूजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ देखेंगे। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो कि जब भी हम कहते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, तो अच्छा है क्यों कहते हैं, हम लोग किसी एक को देख लेते हैं, कोई एक ऐसा बच्चा जो उससे ज्यादा थोड़ा लो होता है पढ़ने में किसी भी चीज में, उसके कंपैरेटिवली ये बच्चा अच्छा है, ठीक है, कंपैरिजन, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन बिटवीन फ्रॉम विच वी आर वॉचिंग द ऑब्जेक्ट, सीइंग द ऑब्जेक्ट एंड द फ्रेम, किस फ्रेम पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम
और सेट ऑफ एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लो या सेट ऑफ एक्सिस कह लो, जहां पर ये वर्क कर रहा है, समझना जरा। ठीक, अगर जैसे ये है, ठीक ये पेन है, अगर इस पेन के अंदर के पार्टिकल्स को देखा जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी तो मैं इस पेन को सेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर के पार्टिकल्स सेट कर रहा हूँ, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं इसके अंदर इसको बॉडी को देख रहा हूँ, इसके अंदर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इसके जो मतलब जो भी पॉइंट्स हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर के पार्टिकल्स अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट मैं इस पूरे रूम को, ये जो पूरा रूम है मेरा, मैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर रहा हूँ, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या है काम है और इसके रेस्पेक्ट में इसके अंदर के पार्टिकल्स का क्या काम है, दोनों का एक प्रॉपर रिलेशन, दैट इज अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सेट एक्सिस पॉइंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है, विद इन विच टू मेजर द पोजिशन ओरिएंटेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या समझ रहे हो, ओरिएंटेशन पोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विद विच चेंजेस इन पोजिशन और मोशन आर असिस्ट। समझ रहे हो, मतलब क्या कहना है कि हमने पहले तो कोई एक चीज, कोई भी एक पार्टिकल चुन लिया कि मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसका मोशन देखना चाहता हूँ, ये कैसा मूव कर रहा है, इसका पोजिशन कैसे चेंज हो रहा है, वट एवर द अंडरलाइन सर्कमस्टांसेस, वट एवर वी आर वॉचिंग इट। ठीक है, अब मैं वो पार्टिकल किस में कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, मान लो ये बॉटल हो गई, ठीक है, ये बॉटल हो गई, अब इस बॉटल में जो पानी है उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, ठीक, देख रहा हूँ इसको, अब देख रहा हूँ ये हिला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने इसको सेट कर रखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मैं सारी बात बोलूंगा, इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, अगर मैंने इसको ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, ठीक है, तो जो भी मैं मोशन इस ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा हूँ उसका रेस्पेक्टिव मोशन इसके साथ हो रहा है, ठीक है, अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किए तो इसका भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे करके चेंज किए तो इसका भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने बॉटल को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन लिया था। चलो, फिर टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एक होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल समझना, मैं तुम्हें अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखना, मान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, क्या तुम कोई भी दो लोग हैं, ठीक है, वो एक ही जगह बैठे हुए हैं आमने सामने, दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, अब जब दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, ठीक है, अब कोई एक बंदा जो बाहर चला जाता है, मतलब अर्थ के बाहर चला जाता है, अब वो देख रहा है कि अर्थ तो गोल गोल घूम रहा है, अब अर्थ में बैठा कौन है भाई, कोई फलाना दो बंदे बैठे हुए, उन दोनों से कौन, भाई तू मूव तो नहीं किया, नहीं भाई मैं तो मूव नहीं किया हूं। भाई दूसरे से पूछ रहा, भाई तू तो मूव नहीं किया, भाई नहीं मैं मूव नहीं किया हूं। जब दोनों ही मूव नहीं किए दैट मींस वो दोनों रेस्ट पर है, बट वो देख रहा, अरे भाई तू तो इधर, तो थोड़ी देर पहले इधर आ गया, अब तो तू इधर आ गया, अब तो तू इधर आ गया, मतलब ऐसे करके जो जगह चेंज हो रही है दैट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, समझ रहे हो ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का एक ही चीज था, दूसरा जो बाहर चला गया अर्थ के, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया, पूरा अर्थ हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब अर्थ मूव कर रहा है ऐसे करके, समझ गए, अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान से देखना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक, डेफिनेशन, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स moves at a constant velocity, ठीक है, सबसे पहले क्या चीज, जो inertial frame of reference है is one in which object not acted upon by a force, object not acted upon by a force, object पर, object not
एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. समझ रहे हो ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है. एवरीबॉडी नोज दैट अ पर्टिकुलर फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट. बट रीजनेबल क्या चीज है, सोचने वाली बात क्या चीज है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स देन द ऑब्जेक्ट मूव इन एक्सेलरेटेड वेल ऑफ मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन आ जाता है. बट यहां पर क्या कंसिडरेशन है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है. दैट मीन्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर एक मिनट इसका जरा वो देख लेते हैं. After, after applying force, ठीक है, after applying force, acceleration is zero because constant velocity है. constant velocity पे move करने पर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है ना, दैट वेलोसिटी डजंट चेंज. ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है. दिस मींस देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द फ्रेम. यानी कि फ्रेम जो हमने इनिशियल फ्रेम जो चूज किया है उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा. एंड दिस वाज एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट मोशन, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग सही बैठता है. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स. ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट इट इज स्टिल इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी पर है. एंड देन वी आर जस्ट वॉचिंग दैट कि ये चीज तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बिल्कुल सटीक बैठता है. ठीक है, एग्जाम्पल उठा के देख लो. स्पेस क्राफ्ट ड्रिफ्टिंग इन स्पेस फार फ्रॉम एनी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कैन बी कंसिडर्ड इन एन एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सॉरी, कंसिडर्ड इन इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है भाई, वो अपने आराम से मूव कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, उसमें फोर्स भी नहीं लग रहा है. इंडिपेंडेंटली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती जा रही है. देखो ना, स्पेस क्राफ्ट हवा में जब सॉरी स्पेस में जब जाती है तो यूं आराम से तैरती हुई जाती है. उसमें उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट स्टिल इट इज मूविंग. ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पर. अब यहाँ पर नॉन इनर्शियल आ जाता है. नॉन इनर्शियल में क्या हो गया कि a non-inertial frame of reference is one that is accelerating or rotating, या rotating in these frames, जैसे fictitious forces such as Coriolis force or centrifugal force must be introduced to explain the motion. ठीक है भाई, friction लग रहा होगा उसपे, friction लग रहा होगा तो उसको move करने के लिए force चाहिए होगा. Centrifugal force बोल रहा है, centrifugal force बोले तो ऐसे ऐसे करके जब हम घुमाते हैं तो हमें यहां पर भी मोशन में लाने के लिए, मोशन में रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स भी बोल रहा है. तो कोरियोलिस फोर्स इज एज वेल एज सेम एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एग्जांपल, अ कार एक्सेलरेटिंग और टर्निंग ऑन अ कर्व्ड पाथ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, ऑक्यूपेंट में फील पुश्ड बैक इनटू देयर सीट्स. ठीक है, अब समझना जरा, जब कार मूव कर रही है, बहुत तेज चला रहे हो, ठीक है, ऐसे करके बहुत तेज, बहुत फास्टली फास्टली चला रहे, जब तुम बहुत फास्ट चलाओगे उसको तो एक चीज समझना कि ऐसे लगेगा कि मैं तो पीछे की तरफ जा रहा हूँ. ओ भाई, पीछे की तरफ. ठीक है, और जैसे ही कार रुकेगी तो एकदम सर तुम्हारा आगे की तरफ चला जाएगा, सर तुम्हारा बिल्कुल आगे की तरफ चला जाएगा. तो ये क्यों होता है? बिकॉज जो इनर्शिया में कार है, जिस डायरेक्शन में, जिस इनर्शिया में कार चल रही है, जैसी वो कार रुकती है तो वो कार, जैसे अगर मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है तो वो कार रुकेगी, रुकेगी तो एक बैक डीएक्सेलरेशन क्रिएट होता है. एंड दिस वाज द रीजन कि उसके अंदर बैठे हुए लोगों को फील होता है कि वो आगे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज पूरा का पूरा जो इनर्शिया है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, और वो उस पोजिशन पे क्या चाह रहे हैं कि 2 से 3 सेकेंड में कार की वेलोसिटी डाउन हो जाए. ठीक है, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसको भी समझ जाओगे. नाउ आता है फंडामेंटल डेफिनेशन. अब हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन. व्हाट? रेस्ट एंड मोशन एंड देयर रिलेशन. समझना इस चीज को सर. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल दोनों समझा दिया. इनर्शिया में अगर जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, देन देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन बीइंग प्रोवाइडेड टू द बॉडी
whatever the frame we have just in our consideration, हमारे पास कोई भी फ्रेम है, माने मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर उस फ्रेम में हमने कोई भी एक्सेलेरेशन प्रोवाइड नहीं किया, दैट मींस दैट गिवन फ्रेम इज एन इनर्शियल फ्रेम. अगर मैं उसमें एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करता हूँ जिसकी वजह से उसके अंदर की बॉडी के बॉडी को एक फोर्स फील होता है, एक एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन फील होता है, दैट द फ्रेम इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम. द फ्रेम इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम. समझ गए, ये चीज कंफर्म हो गई. चलो आगे मूव करते हम लोग. अब बात आती है कि रेस्ट एंड मोशन और वे दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस चल रहा है ये उन स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है जो जेई मेंस एंड एडवांस को फोकस्ड करके बैठे हुए. हाँ, नीट वाले स्टूडेंट्स ऑब्वियसली देख सकते हैं, बिकॉज मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट हो जाए. इफ यू गॉट दैट, भाई देखो फिजिक्स में हजारों फॉर्मूला है. अगर मैं एक ही चैप्टर की बात करूँ, इसी चैप्टर की बात करूँ, यू कैन गेट अबाउट थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलास. ठीक है, तो मैं समझ नहीं आएगा कि कितने फॉर्मूले लर्न करें. बट ये तो उन बच्चों के लिए जो फॉर्मूला रटते हैं, जाते हैं और एग्जाम में लगा के आते हैं, उनसे गलत भी हो सकता है. ठीक है, वो कहीं समझ नहीं पा रहे हैं और उनसे गलत भी हो सकता है. बट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर जस्ट कंसिडरिंग, जस्ट कि पहले भाई थ्योरी मजबूत करते हैं अपनी, थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर लेते हैं, बेसिक्स स्ट्रांग कर लेते हैं, तो जो फॉर्मूले जो बन रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी. वाई? बिकॉज तुम भी जानते हो, अगर ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, दैट मीन्स द रिजल्टेंट वन, हम लोग फॉर्मूला खुद ड्राइव कर लेंगे. 2 सेकंड लगते हैं फॉर्मूला ड्राइव करने में अपने दिमाग में, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस अच्छी हो तो. भाई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये तीन चीज मिलाकर हम लोगों को सक्सेस मिलेगी जेई मेंस एडवांस एज वेल एज नीट में. तो नीट वाले स्टूडेंट्स भी इसे क्लियरली देख सकते हैं, भाई बहुत अच्छा है, एफिशियंट है. ठीक है, चलो, तो रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. अगर कोई बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम रेस्ट पर है, तो मैं ये कह सकता हूँ वही सेम बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम मोशन में है. अगर कोई बॉडी किस एक पर्टिकुलर टाइम पे मोशन में है, तो मैं ये कह सकता हूँ उसी सेम मोमेंट पे वही बॉडी रेस्ट की तरह भी एक्ट करेगी. ठीक है, अब समझना जरा. रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to its surroundings over time. ठीक है, मान लो रेस्ट में, देखो जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल खड़ा है, जो मूव नहीं कर रहा है, ऐसे करके स्टेशनरी, ऐसे करके बिल्कुल स्टेशनरी है, वो ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, बिल्कुल ऐसे करके स्टेशनरी है. जब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो मैं ही समझूंगा कि भाई अगर मैं 2 मिनट तक उसके सामने खड़ा हूं, तो इसका मतलब वो जब मैं और वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी कि ना वो हिला ना मैं हिला, यही तो रीजन है, ना वो हिला ना मैं हिला. अब अगर मैंने बोला, पहले देखो मैं ऐसे, अब मैं ऐसे 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 इधर मूव कर गया और वो उधर कोने पे चला गया, दैट मींस मैं मूव कर गया इधर, मेरे रेस्पेक्ट में वो मूव करा, वो मेरे रेस्पेक्ट में मूव करा. ठीक है, मैं उसके रेस्पेक्ट में मूव करा, वो मेरे रेस्पेक्ट में मूव करा, देखा जाए तो. हाँ या ना? ठीक है, तो रेस्ट वो कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट की जब वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता है. रेस्ट इज द कंडीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एज ऑफर्ड बाय द टाइम. भाई टाइम तो बीत रहा है, टाइम को तो कभी रोक नहीं सकते हो. ठीक है, टाइम बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, अब वक्त नहीं रुक सकता. ठीक है, वक्त जो टाइम है वो बीतता चला जा रहा है. ठीक है, अब टाइम के रेस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट जो है, द गिवन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, नॉट चेंजिंग द पोजीशन, देन वी कैन इजीली से दैट कि भाई वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट. एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द टेबल एंड द रूम. अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द टेबल एंड द रूम. मैं ही कह रहा हूं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये दोनों पूरे 5, 4, 3, 2, 1 पूरे 6 सेकंड से
एक साथ है ना, ये इधर मूव किया ना ये इधर मूव किया। अब इधर मूव कर गया तो देखो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इधर मूव करके पोजीशन चेंज हो गई, जो 5 सेकंड के लिए वो दो, ये दोनों रेस्ट पड़ते हैं। इन दोनों के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ध्यान रखना है, किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोशन। सबसे पहला डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओवर टाइम, सराउंडिंग्स ओवर टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल, अ कार ड्राइविंग डाउन अ रोड इज इन मोशन रिलेटिव टू द बिल्डिंग्स एंड ट्रीज अलोंग द रोड साइड। दोनों चीज को ध्यान दें। मोशन में हम ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे? मोशन में तब कहेंगे जब वो रेस्ट पे ना हो, और रेस्ट पे कब कहेंगे वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। मोशन में कब कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, एज वेल एज टाइम भी उसको चाहिए होगा मूव करने के लिए। टाइम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मोशन एज वेल एज इट वॉज चेंजिंग द पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दैट इज नोन एज द मोशन। चलो ठीक है, वो वी आर मूविंग टू द सेकेंड वन। अब हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन, रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे हैं? बिकॉज वो ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो देख क्या रहा है। जिस लेन पे, जिस कोऑर्डिनेट्स पर ऑब्जेक्ट रन कर रहा है, उसी कोऑर्डिनेट्स पे अगर जो ऑब्जर्वर है वो भी देख रहा है, तो उसके लगेगा कि भैया सामने वाला तो मोशन में है, सामने वाला तो मोशन में है। और जैसे ही वो क्या करेगा, वो जगह चेंज कर लेगा, वो कोऑर्डिनेट्स बदल लेगा, वो पोजीशन चेंज कर लेगा, तो उसको लगेगा नहीं भाई ये तो रेस्ट पर है। समझना जरा, मैं तुम्हें ऑन द अर्थ मतलब तो सेम कोऑर्डिनेट्स पर बताता हूं। बस है, तीन दोस्त होते हैं, दो दोस्त बस पे चढ़ जाते, एक दोस्त उनको टाटा बाय बाय करने के लिए बाहर खड़ा रहता है, ठीक। अब दोनों दोस्त जो हैं वो साथ बैठे हुए हैं बस में, और जो तीसरा दोस्त है वो बाहर। 1 मिनट बाद बस खुल जाती है, बस चलना शुरू कर देती है। वो करते हैं टाटा। अब टाटा करते समय तुम समय बाय बाय कर रहे हैं, देख रहे हैं पीछे की तरफ, वो जा रहा है, वो पीछे बीत चुका है। बट अब उसको क्या लगेगा कि भैया वो मोशन में है, उसको क्या लगेगा कि भाई वो मोशन में, वो थोड़ा सा पीछे चला गया, ठीक। अब दूसरी चीज क्या समझो, ध्यान से समझे ना। दूसरी चीज, वो जो था उसके लिए लगा वो मोशन में, ठीक है। एट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर का था, दूसरा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो दोस्त उसके साथ बैठा हुआ था दूसरा, ठीक है, दो दोस्त जो मैंने कहा था बस में बैठे हुए, दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे भैया तू तो यहीं पर है, तू क्यों ना मूव करो। भाई तुम क्यों नहीं मूव करे, तुम तो यहीं पर हो भैया, तुम मूव क्यों नहीं करे। तो वो जो मोशन नहीं कर रहा है बट कहीं ना कहीं वो मोशन कर रहा है, सोच के देखो। बाहर खड़े हुए इंसान के बाहर खड़े हुए इंसान को लगा कि वो तो निकल गए भाई अपने रास्ते को, अपने किसी भी ओरिजिन को, भाई जहां उनको पहुंचना है। बट जो दोस्त उसके बराबर में बैठा हुआ था, वो दोनों तो रेस्ट पे थे ना। बात होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम सेम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे नजर आएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा देख रहे हैं दूसरे के पर्पज से, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नजर आएगा। समझ गए? दिस इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो ये चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एनालाइज मोशन और रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी डिफाइंड। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद इन व्हिच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड। फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई विदाउट मॉडिफिकेशन इन दिस फ्रेम्स। यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से एग्री करते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और कोरियोलिस फोर्सेस लग रहे होंगे। रिलेटिव नेचर ऑफ फोर्सेस, देखो दो ऑब्जर्वर है, ये इस टाइप से मैंने एक एग्जांपल तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है, तुम इसको एक बार खुद ही देख लेना, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, मैं साइड हो जाता हूँ बिल्कुल। ये 2 मिनट 1 मिनट
वीडियो स्टॉप कर लो और फिर तुम इसको एक बार पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके डन, मूव करते हैं सेकंड में। ट्रेजेक्ट्री, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ थ्रू विच द बॉडी इज मूविंग, थ्रू विच द बॉडी इज मूविंग। ठीक है, ध्यान से देखो। द ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉलोज थ्रू स्पेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इट इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ कर्व इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ट्रेजेक्टरी क्या, मान लो किसी भी तुम ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऐसे करके, मैंने से फेंका। ठीक है, अभी थोड़ा चलो इसको देखते हैं। हाँ ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा कर रहा हूं। इसको मैंने ऊपर फेंका, इसको मैंने ऊपर फेंका, ध्यान से देखना। इसको मैंने ऊपर फेंका, इसको मैंने ऊपर फेंका। तो दिस इज द रीजन भाई, जो इसने जब मैंने इसे ऊपर उछाला और ऊपर आने के ऊपर उछालने के बाद जब ये मेरे पास आया, नीचे आया, तो उस ड्यूरेशन में जो इसने पाथ कवर किया, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्टरी, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। हाँ उसको क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो डेफिनेशन ये हो गया, पाथ जो कि जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी पाथ कवर अप करता है, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। एग्जाम्पल, द पाथ थ्रोन बेस्ड बॉल, द फ्लाइट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मान लो ये हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से एक बॉल फेंकी गई किसी वी वेलोसिटी पे। अब इस बॉल का पाथ क्या होगा? ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ट्रेजेक्टरी। ये क्या हो जाएगा? ट्रेजेक्टरी। तो ये जो हो जाएगा, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पाथ ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ट्रेजेक्टरी, पहली आती है लीनियर ट्रेजेक्टरी, यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन में है। कैसे? स्ट्रेट लाइन। कैसे? स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज द लीनियर ट्रेजेक्टरी। ठीक है, जब कार तुम देखे चल रहा है हाईवे पे, रन हाईवे पे रनिंग कर रहा है, हाईवे पे चल रहा है, ठीक है, रोड पे भी चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दैट इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी, लीनियर ट्रेजेक्टरी। कर्वी लीनियर ट्रेजेक्टरी, जब वो ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, या फिर वो सर्कुलर फॉर्म में भी मूव कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मान लो किसी ऑब्जेक्ट को इधर से ऐसे करके फेंका, ऐसे करके फेंका, तो ये जो ट्रेजेक्टरी होती है ऐसे वाली, दिस इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंडिंग द ट्रेजेक्टरी। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी, या इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी। तो ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सबसे पहली क्या चीज? फॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन से द एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज। फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी इंटू टी। चलो ध्यान देना, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी इंटू टी। ये क्या हो गया? इसका क्या मतलब है? मोशन जो है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो ये, फिर उसके बाद नॉन एक्सेलरेटेड है, दूसरा इनर्शियल फ्रेम है जहां एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा, वहां तुम साफ साफ ले सकते हो इनर्शियल फ्रेम है। पहला क्या चीज? एक्स इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। एक्स जो है वो रिजल्टेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एट टाइम टी पर। एक्स नॉट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पर जो उस समय जो ओरिजिनल टाइम था, ओरिजिनल पोजीशन था, दैट इज नोन एज द, और फिर वी वेलोसिटी हो गया, टी टाइम हो गया, बात खत्म। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन। ठीक है,
अब समझना जरा इस चीज को, ठीक है? यहाँ क्या है, फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन के लिए एक्स एंड वाई बड़ा जरूरी होता है, तो प्लेन यूजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड द एंड मेक्स एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा, यहाँ पर कितने कितने डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, और द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एट टाइम टी कैन बी गिवन, ठीक है? अभी एक चीज को देखो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इन टू टी, ये एक्स जो हो गया ये एक्स कोऑर्डिनेट पे हो गया, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक्स नॉट इनिशियल डिस्टेंस, और यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स मतलब वेलोसिटी, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि भाई ये u हो गया, यहाँ थीटा हो गया u, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा u sin थीटा, जो कि मैंने वेक्टर्स में बताया था, ठीक? और ये u by u sin थीटा इस तरीके से। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे इसमें x और y कोऑर्डिनेट्स अलग अलग से मिल जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद इसको देख लो, t is equals to x minus x naught upon v naught, t is equals to x minus x naught upon v naught, t निकाला, फिर t की वैल्यू y में पुट कर दी, y वाले इक्वेशन में, और सब जब सब्स्टिट्यूट करके जो हमारे पास रिजल्ट निकला, तो यहाँ पर देखो y is equals to y naught plus u y upon u x into x minus x naught। किसी भी स्ट्रेट लाइन में हमारे पास स्लोप की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा u y अपॉन यू एक्स, यू वाई अपॉन यू एक्स इज द स्लोप, और फिर इसके बाद ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में कैसे अरेंज कर दिया, ठीक है? स्ट्रेट लाइन जो होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो देखो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? एम एक्स प्लस सी, और फिर हमारे पास फाइनल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या निकल के आई, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एम एक्स इन टू सी, y is equals to, that is y is equals to y naught plus m, और फिर ये हो जाएगा x minus x naught, ठीक है? इस चीज का ध्यान देना, और ये तुम वेरिएशन पढ़ लो एक बार, y is the vertical position of the object, x is the horizontal position of the object and all, ठीक है? तो यहां होता है हमारा आज का टॉपिक खत्म, राइट? नाउ तुम्हारा आज का जो सेशन था दैट इज कंप्लीटली एंडेड। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या स्टडी करने वाले, बिकॉज ये जानना जरूरी है कि आगे वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड स्पीड एक्सेलरेशन, थ्री इक्वेशन ऑफ द मोशन एज वेल एज प्रूफ ऑफ थ्री इक्वेशन। देखो मैंने लिख तो दिया है थ्री इक्वेशन, बट प्रोबेबली क्या हो सकता है, मैं पांच इक्वेशन बताऊं मोशन के, पांच इक्वेशन, तो वो पांचों के पांचों समझने के लिए अपने दिमाग को रेडी रख रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत अमेजिंग है, तुम लोग को मजा आएगा। द इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मैंने और ऐड किया है अब से, तुम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया करूंगा, जो कि मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया उस चीज से रिलेटेड, मैं इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसमें मजा आ जाए, फिजिक्स को फील करने के लिए तुम्हारा मन दौड़ पड़े, दे द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन को सब जानते हैं भाई, रिलेटिविटी उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था वो भी जानते हैं, बट वो इस चैप्टर से कैसे रिलेटेड है ये जानना जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग एंड रिवोल्यूशनरी इनसाइट्स कनेक्टिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस रेस्ट एंड मोशन ट्रैजेक्टरीज कम फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट एंड मोशन, ये सब रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये सब रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एज वेल एज ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? जब वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पे वर्क कर रहे थे, देन उसी से ये सारी चीज निकल के आई, द प्रिंसिपल फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है? फैक्ट क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन Theory of special relativity was published in 1905. It states that the laws of physics are same in all inertial frames references. क्या मैंने बोला? मैंने हमेशा तुमको बोला जब भी हम starting कर रहे थे, inertial frame of reference में Newton's laws कभी नहीं बदलते, they will remain same, and that the speed of the light in vacuum is constant. Speed of light in vacuum.
एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर, उससे कोई मतलब नहीं है, याद रखना यही बहुत बड़ी बात है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पर कभी कोई रिलेशन रिलेटिविटी इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर भले ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या फिर सोर्स मूव कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगर स्पीड ऑफ लाइट जिस मूव जिस हिसाब से मूव कर रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ध्यान देना। इसी वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल। समझ गए? चलो फिर उसके बाद, ठीक है, द थ्योरी इंप्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस आर रिलेटिव टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, लीडिंग टू द फिनोमेना सच एज टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। वैसे टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपनी बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, तो एक बार तुम वहां जाना, उस बुक को एक बार जरूर पढ़ना। मैं तो कहूंगा उसमें बहुत कुछ है, टाइम डायलेशन तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज है दैट हाउ कैन वी टाइम ट्रेवल, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल है, कहीं ना कहीं हम इसे सोच नहीं सकते या कम्प्लीटली हम अपने मन में हम अपने दिमाग में से मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो स्टेट ऑफ मोशन है, क्या कहते हैं, रिलेटिविटी है, ये दैट वॉज द रीजन फॉर टाइम डायलेशन एज वेल एज क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। खैर किसी दिन हम इस पूरे टॉपिक के लिए प्रॉपर वीडियो निकालेंगे, क्योंकि मैंने देखा है रिलेटिविटी के बारे में सबको जानना, ठीक है। व्हाट इज रिलेटिविटी भाई, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एंड क्या कहते हैं वी इज इक्वल्स टू कुछ ऐसे करके था ना, ई बाय एम रूट ओवर करके कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आया। तो ये सब चीज सबको जानना है, जब ये सबको जानना है तो भाई सबको बताना भी जरूरी है, ठीक है। तो फॉर कुछ ऐसी मजेदार इंफॉर्मेशन एज वेल एज कुछ अमेजिंग टर्म्स के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड विद एडियो एक्सेल एज वेल एज। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जस्ट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ये पूरा लेक्चर जिस जिसको पसंद आया हो, आई थिंक सभी को पसंद आया ये लेक्चर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।